150cc स्कूल वैन है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 35 बच्चों के बैठने की गुंजाइश बनाई। अभी इसकी ये चेसी आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी की चेसी हमने डबल की है क्योंकि बड़ी हैवी गाड़ी है, बच्चों का स्कूल का काम है, सेफ्टी फीचर को मद्देनजर रखते हुए बड़ी मजबूत चेसी और लाइफ टाइम वारंटी के साथ हमने बनाई है। 5 फुट चौड़ा किया हमने इसको और 9 फीट लंबा किया है। सब आपने हमारे साथ किस तरह रब्ता किया? मैंने आपसे मोबाइल के ऊपर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने एक स्कूल वैन तैयार की थी, उसको देख के मैंने आपसे रब्ता किया तो आपने क्या ठीक है आपके अंदर हम 3 सीटें लगा रहे हैं, 2 साइडों पे लगा रहे हैं, एक सेंटर में सीट लगा के दी और इसके अंदर अभी थोड़ा सा काम रहता है, पंखे वगैरह इंस्टॉल होने हैं इसके अंदर। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपको पता है कि पहले हम आपके पास एलीट सवारी के प्लेटफार्म से हाजिर होते थे, अपने कस्टमर की हम जो है ना उनकी डिमांड के मुताबिक कस्टमाइज रिक्शा जो है ना लोटर रिक्शा हम बना के दे रहे थे। अभी हम जो आपके पास आए हैं वो मिर्जा इंडस्ट्री के नाम से आए हैं, उसके अंदर भी वैसे ही हम आपके लिए जो है ना नए से नए मॉडल और कस्टमाइजेबल जो है ना लोटर रिक्शा लेके आए हैं जिसके हर कस्टमर की अपनी डिमांड के मुताबिक हमने तैयार करना शुरू किया है, जिसका आज मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। ये 150cc स्कूल वैन है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 35 बच्चों के बैठने की गुंजाइश बनाई। इसको आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये कस्टमर ने के मुताबिक हमने हर चीज़ इसकी डिज़ाइन की है और इसकी वन बाई वन आपको ये दिखा देते हैं कि ये जब बड़ी गाड़ी बनाते हैं हम जो सेफ्टी फीचर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फिर बनाते हैं। अभी इसकी ये चेसी आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी की चेसी हमने डबल की है क्योंकि बड़ी हैवी गाड़ी है, बच्चों का स्कूल का काम है, सेफ्टी फीचर को मद्देनजर रखते हुए बड़ी मजबूत चेसी और लाइफ टाइम वारंटी के साथ हमने बनाई है। और इसी तरह इसके अंदर हमने यांगशंग का इंजन इस्तेमाल किया है जो कि 25 से 30 किलोमीटर एवरेज देगा जो भी ड्राइवर इसको चलाएगा। और उसके साथ आप इसका साइज अगर देखेंगे तो साइज हम इसका बना रहे हैं 5 फुट चौड़ा किया हमने इसको और 9 फीट लंबा किया है और इसके ऊपर हमने लोहे की छत लगा दी है। लोहे की छत लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अंदर बारिश में, जैसा कि आजकल बारिशों का सिस्टम है, मौसम है, तो बारिशें की वजह से बच्चों के अंदर बैग या बुक्स या उनके कपड़े वगैरह गिले ना हो। और साइडों पे तरपाल लगा दिया, ये फोल्डिंग वाली तरपाल है वाटरप्रूफ, इसको ना फटने का डर है ना इसमें पानी अंदर जाता है और इसको आप किसी तरीके से जो है ना फोल्ड भी कर सकते हैं अगर अंदर हवा का मसला हो। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसको हमने जो आगे स्क्रीन लगा दी है, फ्रंट स्क्रीन इसको बोलते हैं, जो कि ये भी सेफ्टी फीचर को मद्देनजर रखते हुए धूप से डस्ट से ड्राइवर को जो है ना महफूज करती है। और हम अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बता दें कि हम जो ये गाड़ियाँ बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थोड़ा सा जो है ना रश ज़्यादा है, लोगों के आर्डर बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़े से जो कस्टमर हैं वो कमेंट्स करते हैं, वो फ़ोन पे बाद में गिला करते हैं कि उस्मान भाई आप लेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आर्डर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हम पीछे प्रोडक्शन अपनी बढ़ा रहे हैं कि जिसकी वजह से कम इंतज़ार करना पड़े। लेकिन मैं फिर भी अपने मदर भाई के इस चैनल के तरफ से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना जब भी ये गाड़ी का, इस तरह की गाड़ी का आर्डर देना हो कम से कम 15 से 20 दिन का हमें टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह क्यू में लोगों के आर्डर लगे होते हैं और बड़ी गाड़ियों के आर्डर होते हैं, इस हवाले से जो है ना थोड़ा सा कस्टमर को जहन में रख के आएँ कि 15 से 20 दिन टाइम लगेगा अपनी मर्ज़ी की गाड़ी बनवाने में। उसकी वजह यह है कि जब ये गाड़ी बनाते हैं, बड़ी गाड़ी बनाते हैं, इसमें रूटीन का लोहा इस्तेमाल नहीं होता, ना रूटीन की गेज इस्तेमाल होती है, बड़ी हैवी गेज हमें लगानी पड़ती है, ये सारी कटिंग बैंडिंग इसका एक लंबा प्रोसेस है जो हम तैयार करने में हमें टाइम रिक्वायर होता है। इसलिए नाजरीन जो कि जो भी आर्डर दे हमें वो 15 से 20 दिन का टाइम दे, क्योंकि हमारे पास आर्डर के जो है ना इस वक्त भी रश बहुत ज़्यादा है और लेकिन हमारी लेबर जो है ना दिन रात काम कर रही है, उसके बावजूद भी हम 15 से 20 दिन के अंदर जो है ना डिलीवरी दे पा रहे हैं। बाकी आपको पता है कि जैसे हम पहले भी करते रहे हैं कि 3 माह के ऊपर आप हमसे जो है कंपनी रेट के ऊपर हासिल कर सकते हैं गाड़ी, अभी ये बाइक की ये गाड़ी तैयार की है, वो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पता नहीं यार रीजनल दे भी रहे हैं कि ये नहीं दे रहे। अब ये कस्टमर है खुद फैसलाबाद से 2 दिन से हमारे पास आया हुआ है, हमारे पास आके गाड़ी जो है ना तैयार करवाई। मैं अपने नाजरीन को अपने कस्टमर से मिलवाता हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ किस तरह रब्ता किया? मैंने आपसे मोबाइल के ऊपर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने एक स्कूल वैन तैयार की थी, उसको देख के मैंने आपसे रब्ता किया तो आपने कहा ठीक है आप आ जाएँ और विजिट करें। मैंने कहा विजिट करता हूँ कितना टाइम लगेगा? आपने कहा 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं आया हूँ, मैंने आपको पेमेंट की है तो 1 हफ्ते के अंदर मैंने खुद खड़े होकर मैंने तैयार करवाई। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपने हमें देखा भी नहीं था, आपने हमारे पास पहले पैसे भेजने शुरू कर दिए थे, आया कि जैसा कि आपने लोगों से सुना कि यार ऑनलाइन ये हो जाता है ये हो जाता है, कोई इस तरह का हमारे पास आके कोई आपको लगा तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, लोगों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा कहा था यार ये तुमने क्या कहा दिया, वो लाहौर वाले हैं वो बहुत फ्लाट करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार मेरी उनसे बात हुई है, मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपसे वीडियो कॉल भी नहीं की थी, आपसे आडियो ही बात हुई थी,
लगा कि वीडियो की सहूलत भी मौजूद थी, लेकिन मैंने उसका नहीं किया। जितना मैंने बंदों ने बताया मैंने कि नहीं आपको पेमेंट का बताया, आपने कहा पेमेंट कर दें, मैंने आपको ऑनलाइन ट्रांसफर किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि जब आपने हमारे साथ कैश पे बात की थी कि मैं आपसे कैश ही लेना चाह रहा हूँ, जब आप हमारे पास आए हैं आपने कहा यार मेरे पास थोड़े से पैसे कम हो गए हैं, तो हमने आपको 2 महीने का टाइम दिया, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लिए आप? नहीं नहीं, आपने कहा कोई मसला नहीं, आप कोई आए, आप हमारे भाई हो, आपने हमारे ऊपर इतबार किया, हम भी आपके ऊपर कह रहे हैं। उसके अंदर ना हमने आपसे कोई जमानत ली है, ना कोई चेक लिया, ना हमने आपका घर देखा है, कोई चीज़ नहीं, नहीं कोई चीज़ नहीं। सिर्फ जबान को आपका ये बहुत अच्छा आपका जो ये रवैया है, ये जो गाड़ी हमने तैयार की है आपकी मर्जी के मुताबिक की है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी मर्जी के मुताबिक की, जो जो मैंने कहा वो ही हुआ है। इसके अंदर कोई कमी बेशी या लोहा जो बताया हो क्वालिटी वाइज को आपको कोई मसला तो नहीं है इसके? नहीं नहीं, सेम उससे भी अच्छा है। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कस्टमर का रिव्यू देने का मकसद ये होता है कि कुछ लोगों के जहन में डाउट होता है और उनका डाउट होता भी सच्चा है कि जो है ना मार्केट में कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आप आएँ फ़ोन पे गाड़ी मंगवाएं, खुद पास बैठ के गाड़ी बनवाएं, हम उसके लिए हाज़िर हैं। हमारे नंबर जो है ना वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। तो हमसे आप अपनी मर्जी का लोडर किसी भी किस्म का आप हमसे लोडर है, वाटर टैंक है, सवारियों वाला है, उसके अलावा लोडर के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा वैरायटी है, आप गाड़ी हमसे बनवा। मतलब भी जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये बच्चों की सेफ्टी के फीचर के वाले से हमने ये पीछे दरवाज़ा लगा दिया है कि बच्चे शरारतें करते हैं, गाड़ी चलती हो बाहर गिरने का डर होता है, उनके बैग बाहर गिरने का डर होता है, ये बाहर पीछे हमने हवादार जो है ना दरवाज़ा लगा दिया है। और अंदर आप कैपेसिटी देख सकते हैं कि इसके अंदर टोयोटा वैन होती है ना, जितने बच्चे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हम 3 सीटें लगा रहे हैं, 2 साइडों पर लगा रहे हैं, एक सेंटर में सीट लगा के दी। और इसके अंदर अभी थोड़ा सा काम रहता है, पंखे वगैरह इंस्टॉल होने हैं, इसके अंदर पंखे वगैरह इंस्टॉल करके मुकम्मल रेडी करके हमने कस्टमर को देंगे। जी अब आ जाते हैं हम इसकी प्राइस की तरफ। प्राइस हमारी जो है वो इसमें रेंज है काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 15 से 20 मॉडल हैं, ये तकरीबन 5 लाख से शुरू होकर 7-8 लाख तक है, इसके साइज़ के हवाले से, इसके फीचर के हवाले से। क्यों, कुछ लोग होते हैं वो ये स्क्रीन वगैरह नहीं लगवाना चाहते, बीच में बड़ी बैटरी नहीं लगवाना चाहते, वो फिर उनके पैसे हम माइनस कर देते हैं। ये कह लें कि 5 लाख से लेके 6.5-6 लाख तक और 7 लाख तक इसके हमारे पास जो है ना मॉडल मौजूद हैं, वो डिपेंड करता है अगले बंदे के बजट के ऊपर। जिस तरह वो हमसे कहेंगे हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और उसके बजट के मुताबिक गाड़ी तैयार करके दे देंगे।